मेरा जुलाना हरा भरा स्वस्थ जुलाना जी। इस मुहिम को सार्थक करते हुए जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। इस समय मौजूद हम जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर त्रिवेणी लगवाई जा रही है। परशुराम जयंती उपलक्ष्य में डॉक्टर रेणुका मलिक द्वारा यहाँ पर त्रिवेणी लगाई जा रही है। देखिए, त्रिवेणी लगाई गई है और यहाँ पर विशेष विधि विधान के साथ भूमि पूजन के साथ यहाँ पर त्रिवेणी लगाई गई। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवदनं पूर्वारुक्मे वन्दनात् मर्त्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवदनं पूर्वारुक्मे वन्दनात् मर्त्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवदनं पूर्वारुक्मे वन्दनात् मर्त्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। बोल शंकर भगवान की जय हो। तीन त्रिलोकी के नाथ की जय हो। वनस्पति देवता की जय हो। फोटो में देखिए ना, ठीक है, बढ़िया आदमी ना, घना ऊंचा कोनी सही है। इधर देखिए, देखिए त्रिवेणी में पानी डाला जा रहा है और लगाकर यहाँ त्रिवेणी लगाई डॉक्टर रेणुका मलिक ने। इनसे जानेंगे भाई, आज जो त्रिवेणी लगाई है किस उपलक्ष्य में त्रिवेणी लगाई गई है। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा त्रिवेणी लगाई गई है, ये किस उद्देश्य के साथ लगाई है? पर्यावरण की शुद्धता को देखते हुए हमने त्रिवेणी लगाई। इस अवसर पर परशुराम जयंती उपलक्ष्य में जो त्रिवेणी लगाई गई है, के द्वारा यहाँ पर समर्थ चिन्ह के रूप में परशुराम की फोटो देकर सम्मानित किया गया। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो त्रिवेणी लगाने का कार्यक्रम रखा गया था, उस त्रिवेणी उपलक्ष्य में यहाँ पर गुरदास जी जो समाज सेवी जुलाना में हमेशा समाज सेवा कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, आइए उनसे जानते हैं जो त्रिवेणी का प्रोग्राम कैसे बना। जी नमस्कार। नमस्ते जी, राम राम जी। जो त्रिवेणी लगाने का प्रोग्राम है वो कैसे बना? मेरा जुलाना हरा भरा स्वस्थ जुलाना जी, इस मुहिम को सार्थक करते हुए जी हमने आज ये त्रिवेणी लगाई। जैसा आप देख रहे हैं कि आज ऑक्सीजन की भयंकर कमी है जी, ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना महाकाल चल रहा है जी। इससे पहले कोरोना का कोई इफेक्ट ना हो, आगे आने वाले समय बीमारियां आएंगी जी, जी शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, इसलिए हमारे भाई बहनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए तब जरूरी है कि जब हमारा वातावरण बिल्कुल साफ और स्वच्छ होगा जी। स्वच्छ रखने के लिए हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन की जरूरत है, और बीमार होने से पहले जब शरीर को एक स्वस्थ ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो पेड़ पौधों से मिलेगी। बड़, पीपल, नीम का और त्रिवेणी का जो लगाने का हमारा ध्येय रहता है वो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण में ऑक्सीजन हो और वो एक स्वच्छ ऑक्सीजन हो, क्योंकि हमारे वातावरण के अंदर करीबन 30-35% ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन गैस हो गए हैं और कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह गैसें होती हैं। उनको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ लगाने चाहिए, और हमारे आने वाली नस्लें कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहें, इसके लिए हमें भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रखनी चाहिए।
ये देखिए गुरदास जी ने अपील की अन्य देशवासियों से भी, आस पड़ोस में रहने वालों से कि आप भी पौधारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि अब भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और पर्यावरण स्वस्थ बना रहे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से।